हाय गाइस, वेलकम टू जागरण हाईटेक। ये है ओबन रोर। ओबन जो कि एक कर्नाटका बेस्ड इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल बाजार में उतार दी है। कीमत रखी गई है स्टार्टिंग 99,999, मतलब कह सकते हैं 1,00,000 रुपये। डिफरेंट स्टेट्स में प्राइस डिफरेंट होगी, तो आज हम एक क्विक वॉक अराउंड दिखाएंगे आपको, स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, फीचर्स बताएंगे और वेटिंग टाइम क्या है। तो चलिए पहले बताते हैं कि बुकिंग कब से है। मार्च 18 से आप इस मोटरसाइकिल को बुक कर सकते हैं। जो इसकी टेस्ट राइड्स है वो शुरू होंगी इन द मंथ ऑफ मे, एंड डिलीवरीज एक्सपेक्ट कीजिए जून तक स्टार्ट होनी चाहिए। अब ये जो मोटरसाइकिल है, इसकी जो प्राइम राइवल्स होंगी आप मान सकते हैं रिवोल्ट को। रिवोल्ट द बिगेस्ट एंड RB 400 सीधा टक्कर देगी रोर को। ऑन द अदर हैंड यू विल हैव टॉर्क मोटर्स, जो पुणे बेस्ड टॉर्क मोटर्स है, उनकी क्रेटॉस आई है, वो भी इस मोटरसाइकिल को टक्कर देगी। प्राइस की बात हो गई, राइवल्स की बात हो गई, अब थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। फ्रंट में दिए गए हैं LED हेडलाइट्स, 17 इंच के टायर्स और यहाँ पे अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट 100 सेक्शन टायर्स दिए गए हैं। रियर से बाइक कुछ ऐसी दिखती है, बेल ड्रिवन मोटर है, पीछे भी 17 इंच के व्हील्स दिए गए हैं और व्हील्स में जो टायर्स है ये 130 सेक्शन है। जो पीछे का मोनोशॉक आप देख सकते हैं, ये एडजस्टेबल है। और सामने देख सकते हैं आप, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स अप्लाई किए गए हैं। बॉडी प्रोफाइल न्यू अर्बन क्रूजर कह सकते हैं। और इसके साथ जो सीट है ये 780 मिलीमीटर्स का है और ये एक स्टेप सीट है। पीछे ग्रैब रेल भी यहाँ पे स्प्लिट है। अब देखिए फिट एंड फिनिश लेवल जो है ये थोड़ा उबड़ खाबड़ इनकंसिस्टेंट लग सकता है क्योंकि ये प्री प्रोडक्शन मॉडल है, बट जब हम इसकी टेस्ट राइड करेंगे और अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि ये मोटरसाइकिल कैसी है चलाने में और देखने में। कुछ फीचर्स की बात करते हैं, तो ये है इसकी चाबी, कुछ ऐसी दिखती है चाबी। ये जो साइन है ओबन मोटर का, ये ईगल के विंग्स को डिनोट करता है। यहाँ पे ये कनेक्टेड स्कूटर है, काफ़ी बेसिक सा यहाँ पे मेरे को इंस्ट्रूमेंटेशन लग रहा है। इस इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको फीचर्स तो भर के मिल जाएंगे, जैसे रेंज यहाँ पे 168 दिखा रहा है, और इसके नीचे ओडोमीटर रीडिंग कितना बैटरी बाकी है, और ऊपर आप स्पीड देख सकते हैं। अब इस मोटरसाइकिल की जो टॉप स्पीड है वो है 100 किलोमीटर एन आर, 100 तक ये मोटरसाइकिल भाग सकती है। 3 मोड्स मिलते हैं। आइडियल ड्राइविंग कंडीशन में 200 का रेंज कंपनी क्लेम करती है, वहीं 3 मोड्स मिलते हैं। जो हैवॉक मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, वहाँ पर आप 100 तक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 120 सिटी मोड में, और इको मोड में रेंज बढ़ के हो जाता है 150 तक का, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा खासा माना जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मोटर की। यहाँ पे जो मोटर दिया गया है ये 10 किलोवाट पीक पावर का मोटर दिया गया है। बैटरी पैक 4.4 किलोवाट आर, मतलब यहाँ पे USP जो है वो है चार्जिंग पे। कंपनी दे रही है 15 एम का सॉकेट जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं विद इन 2 आवर्स। अगर ये क्लेम साबित होता है तो दिस कैन बी अ सेगमेंट गेम चेंजर। मतलब कंपनी का दावा है 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक का चार्जिंग ये मोटरसाइकिल आपको प्रदान कर सकती है। तो डिज़ाइन फीचर्स स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे हैं, याद दिला दूँ, 780 मिलीमीटर्स का यहाँ पे सीट हाइट मिलेगा, जो ग्राउंड क्लियरेंस है 200 मिलीमीटर का है, और जो वाटर वेडिंग है IP65 रेटेड बैटरी है, स्वैपेबल नहीं है, मतलब आप बैटरी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जो वाटर वेडिंग है ये दिया गया है 230 मिलीमीटर्स तक का। ब्रेक दोनों में डिस्क दिए गए हैं, फ्रंट और रियर, बट ABS की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। कॉम्बी डिस्क ब्रेकिंग का यहाँ पे यूजेज किया गया है। बेल ड्रिवन मोटर है और यहाँ पे एक स्टील ट्रेली फ्रेम आप देख सकते हैं। तो ये तो थी रोर ओबेर मोटर की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अगले 2 सालों में 4 नई मोटरसाइकिल्स आनी हैं, स्कूटर और मोटरसाइकिल सब सेगमेंट्स मिला के कंपनी टारगेट कर रही है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ रह गया हो वो भी पूछ सकते हैं, और कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।